कलर लग रहे हैं ना, अगर इस कलर के कपड़े बने तो कैसे लगेंगे? वो लगेगी दिलवाले दुल्हनिया की, जो वेस्टकोट पहना हुआ होता है ना शाहरुख खान। शाहरुख खान ने कभी स्कर्ट पहना था? वेस्टकोट पहना था ना। अच्छा वेस्टकोट, मैं समझी स्कर्ट। चने स्कर्ट तो उसने उसमें पहना था। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। और ले आओ अंदर घिसर के मेरे मुंह के आंसू के अंदर ले आओ कैमरे को। ओह अच्छा जी। और और काम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और आप देखिएगा पहले मैं कर रहा हूँ, आज हम लोग बनाएंगे जो कल आपको जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम नई डिश बना रहे, लेकिन बताएंगे कल वो। आज बताते हैं हम आपको, बना रहे हैं दही भिंडी। कुछ डिफरेंट है और लोग खाएंगे तो होप सो, पहले भी लोगों ने पसंद किया और फरमाइश की थी, तो आज हम उसको दोबारा बनाते हैं। और पहले हम करते हैं प्याज ग्राइंड, क्योंकि लाइट का इशू है। तो लाइट लाने से पहले पानी डाले नहीं कुछ भी नहीं करो। प्याज ग्राइंड कौन कर रहा है? और मैं इसी में डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, शॉर्ट में काम करते हैं। प्याज लिए आपने दही का पानी, दही नहीं है तो दही का पानी ले सकते हैं आप। इसमें थोड़ी सी दही हम ऐड कर देंगे बिल्कुल हुई भी छाछ तक सही। थोड़ी दही भी ऐड करनी है पहले, ये तो ऐड करेंगे। टमाटर भी तीनों, तीन टमाटर हैं, तीन टमाटर हैं, तीनों डाल देते हैं। सब डाल के गुड़िंग कर दें। गुड़िंग तीनों डाल दिए। हरी मिर्च है 8-10 डाल दें भाई। हरी मिर्च भी दे दो फटाफट, स्पीड में काम करना है मुझे, फिर मुझे थोड़ा सा बाहर भी शायद जाना पड़े। थोड़ा सा जाएंगे ये हो गया थोड़ा सा, चार ये बोले चार कदम जाना, ऐसे बोला करे नहीं, थोड़ा सा क्या होता है, पांच कदम। मेंढक कहाँ से बोल रहा है? ये मेंढक बारिश के आने से पहले बोल रहा है। नहीं आ रही बारिश, आ रही आ रही है, आ रही आ रही हो या ना हो जुनैद काम पे जाए। अरे जाए जुनैद काम पे, किसने रोका है? जुनैद ने तूफानों में भी काम किया। वो कौन से तूफान? तूफान वो सैलाब था, सैलाब के अंदर काम किया। मिर्च तेज अपनी है ना, तीखा बना है। कितनी हो गई? पता नहीं डाल ही आ रहे हैं। जल्दी कर लें, स्पीड बढ़ाए स्पीड। अब तो शेफ लोगों ने भी बता दिया है कि वो जिस वक्त किचन में कुकिंग करते हुए दिखा रहे होते हैं लोगों को, बेवकूफ बनाते हैं ना, तो पीछे कैमरे के और पीछे उनके स्टूडियो के ना कटिंग करने वाले अलग खड़े हुए होते हैं, उनको खटाखट कटिंग करके दे रहे होते हैं। नहीं दादा ऐसा कोई नहीं, नहीं यहाँ यहाँ पे जो है मियाँ कहते मिलेंगे खड़े हुए, बाल्टियाँ मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है, ये घर है, ये कोई स्टूडियो नहीं है। हाँ घर, दैट्स इट इज घर, इट इज घर बस। और यहाँ पे आवाज बंद हो जाएगी अब जुनैद की थोड़ी देर के लिए।
मुझे काम है, प्याज लानी है, रायता बनाना है और टमाटर लाना है। सही, और बाकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी व्यूअर्स से। ये शेयर क्या करती हूँ, नॉर्मली कुछ टेंशन नहीं है। ये जो पीसने वाला मसाला है इसको मैंने भूनना है, और भिंडी में जो है ना पहले से तेल और मसाला लगा के उसमें ऐड कर देना है। मैं कुछ कर लूं? हाँ, आप कुछ, आप करते ही रहते हैं, हम तो फारिग हैं। हम ये जो मोबाइल हाथ में पकड़े, ये भी हम ऐसे ही पकड़े हुए, आपकी तो इस मोबाइल स्टिक ही हमारा हाथ है, ऐसे ही है। सारी चीजें लो, कचरा डालते में लो, धोते में लो, सिर्फ आपको जुनेद काम करते हुए नजर आएंगे, सिर्फ जुनेद। क्योंकि जुनेद से अगर बोलो ना सनोबर जो काम कर रही है, वो जरा कैमरा पकड़ ले तो सुमें जुनेद जो है ना सनोबर की मुंडी काट देते हैं ऊपर से, कभी मुंडी वाइप कभी। हाँ हाँ, हम तो फारिग हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, जो कुछ होए ये सब कुछ जुनेद का है। मैं हाथ क्या, पाकिस्तान को जो है जुनेद चला रहे हैं। जुनेद की जरूरत है जुनेद की जरूरत है, ये मेरा काम नहीं है भाई चलाना। चलिए जी, हाँ जी, चले 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 चले, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देख लीजिए पंखा चल रहा है, गर्मी की वजह से आपको आवाज़ कम आएगी यहाँ पे। और जुनेद सारी चीज़ें हैंड टू हैंड समेटते हैं, यही फ़र्क है मर्दों में और औरतों के काम करने में। ये रहे मेरे पौधे, यही तो है। हाँ आगे ओके व्यूअर्स, मिलते हैं आपको। ये लाल आलू है ना 100 रुपए किलो, मटर कैसे दिए 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो सख्त है, 50 के नहीं लगाएंगे? अरे ले लेंगे चाचू। अरे ये हमारा वो सब्जी वाला खड़ा होता है, पता नहीं कहाँ है यार, हल्का है यार, कड़क चाहिए थे चाचू रायते में डालने के लिए। कड़क है कोई, देखें जो आपको सही लगे। जी व्यूअर्स, ओए हाँ सनोबर क्या कर रही हो? दही भिंडी बना रही हूँ, उसकी लास्ट रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देख लीजिए मैंने ऑयल गरम किया है, और इसमें से गरम ऑयल थोड़ा सा लेके, ये जो भिंडी मैंने देखे कटिंग करी थी कल, मैं आपको बता रही थी ना सब्जी, इस पर थोड़ा थोड़ा ऐड किया गरम, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और अब ये जो ऑयल गरम हुआ है ना इसमें मैं जब तक ये मैं मसाले मिलाऊंगी, आप ये देख लीजिए लहसुन, और थोड़ा सा जीरा देसी तरीका, हाँ
लहसुन वगैरह यहाँ पे जब तक फ्राई होगा मैं इस पे डालूंगी मसाले अपने सारे, ठीक है। ये हटा देते हैं जो कि फट रही है, हटाते जाएं। मसाले दिखा दीजिए, थोड़ा सा आमचूर पाउडर कल ही मंगाया है ये, तो खाना खिला रहे हैं लोगों को तो डलेगा नहीं। और थोड़ी सी हल्दी, जल्दी हल्दी जल्दी मचाती है बहुत। कौन? हल्दी। और अजवाइन, अजवाइन भाई ये जो खाने में अजवाइन डालते हैं ना तो इससे पेट साफ होता है, पेट सही रहता है, पेट सही रहता है। थोड़ी सी लाल मिर्चें, कुटी भी लाल मिर्चें कूट कूट के बनाया गया है। थोड़ी ज़्यादा सही है। थोड़ी सी पीसी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी आ रही है क्योंकि तेज़ होती है मौसम। चलो जी, और आखिर में ये मौसम की बात कोई नहीं कर रहा, ठीक है। कसूरी मेथी, कसूर की मेथी देख लें आप कैसे डाली जाती है। और इनको तंबाकू की तरह इनको हम क्या करेंगे, मिलावट। अभी नमक नहीं है इसमें, नमक नहीं है जो कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब अपने अपने फंडे हैं, ये हम उसमें ऐड करके भी मसाले ऐड कर सकते थे पतीली में। हाँ। बात बताओ ना उसमें किसमें, पतीली में सारा भी दिया करो। ठीक, ये मिक्स हो गया, इसका काम यहाँ पे खत्म। और ये जो जुनेद से मैंने पिसवाया था ना प्याज टमाटर हरी मिर्चें और दही का पानी, ये दही है, ये मैं अब देखें उधर ज़ीरा और क्या डाला था मैंने, लहसुन, ये क्या बात है, शॉर्ट फॉर्म में इसको थोड़ा सा भूनेंगे। शुक्र अल्लाह, मसाले का हो गया, इसका काम खत्म, इसको चलाओगी अब। इसको दही और डालना है? अभी नहीं, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसे इसकी ठीक सही है। अभी मसाला जब भून जाएगा ना फिर वो मसाले वाली भिंडी इसमें ऐड हो जाएगी। पहले जब मसाला भून जाएगा तो मसाले वाली भिंडी जो है इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, और अब पता हाँ सही आ रहे, सही चल रहा है, सही चल रहा है। क्या दिखा रहे थे आप मुझको? ये मुझे दिखा रहे थे जुनेद को, बहुत पुराने डायलॉग होते हैं। हाँ तो याद करती रहती हूँ ना मुझे, हाँ बड़े बड़े बोलते हैं। कौन से मुंह खोल लिया हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े खोलते हैं मुँह जब नींद आती है। यहाँ पे आके कितने बजे उठाऊं मैं? यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैं रात को यहाँ सोया हूँ। धूप देखें आप कैसी है, मौसम भी अच्छा है, हवा चल रही है, बादल गर्मा रहे हैं, अभी धूप तेज हो गई है, पर्दा बांधना पड़ जाएगा। यहाँ पे आके बंदा सो जाता है, आज एक ही पर्दा बांध दूंगा। यहाँ पे आके, यहाँ पे आके बंदा सो जाता है, यहाँ पे आके चलाना पड़ता है, बाइक की आवाज है। और पर्दा बांधने की जरूरत नहीं है, बारिश आएगी मेरी। क्या मजाक समझा हुआ? और नहीं तो क्या, मजाक ही चल गया। अल्लाह की इन चीजों को तो मजाक बनाना ही नहीं चाहिए। एक जगह लोग बोल रहे थे बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, गर्मी हो रही, तूफान आ रहा है। तूफान है और बारिश हर चीज की दुआ है, अल्लाह पाक से सिर्फ रहमत की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक बेशक। अभी जब तूफान को देख लिया कि कितना डेंजर है तो अब तूफान से बचने की दुआएं डालना है स्टेटस में। समझ से बाहर है, लोग कंफ्यूज्ड हैं,
कर रहे हैं, बंदा ही कंफ्यूज है, अगले को भी सामने आ रहे को भी कंफ्यूज कर दो। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उनको खुद पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो सोच क्या आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिलों में क्या चल रहा है, ऐसे। और यहाँ पे आके बंदा सो जाता है, इस चीज़ के लिए भी एक नौकरानी रख दें जो सिर्फ चमचा चला है। बड़े बनने के लिए बड़े ख्वाब देखते हैं बीबी। ये तो मैं अल्लाह पाक आसानी कर, मैंने आपके साथ शादी के बाद कौन कौन से काम किए ज़रा आप बताएंगे? याद भी नहीं इतने से। मैंने अपनी लाइफ में शादी से पहले वाली लाइफ में सिर्फ टीचिंग की, ट्यूशन पढ़ाया, खाती थी, बर्तन धोती थी, सफाई करती थी, बस ये चार काम थे मेरे। अम्मा अब्बा की खिदमत होती थी, यानी जो भी बीच के छोटे मोटे काम, ये बिजनेस वाला काम मैंने कभी नहीं किया। शादी के बाद तो क्या क्या किया, रायता बना के बेचा, आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम चाट बनाई, और क्राफ्ट बनाए, क्लिप्स बना के सेल किए, कबाब जी इसमें कितने जाते थे? वो काउंटर कोई और यूज कर रहा है, बताओ, मोबाइल वाले यूज कर रहे हैं। सही है, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ क्या किया मैंने, घर से खाने बना बना के, यानी इसके ये तो ऑर्डर पे फ्रोजन आइटम भी बनाए, पराठे और पराठे, शामी कबाब, और दोबारा शामी कबाब स्टार्ट लिया है ना, और क्या कहते हैं, कोफ्ते बनाए थे 5 किलो के एक दफ़ा, कोफ्ते भी और वो भी गोला कबाब। मैं चलाऊं? नहीं, आप सिर्फ दुनिया को चलाया करें और बीवी को चलाया करें, आपका जो काम है ना आप वो करें। नहीं चला सकते तो आप अपने कस्टमर्स और स्पेशली अपने मार्केट के जो कस्टमर्स हैं ना उनको नहीं चला सकते, वो आपको कहते हैं जुनैद को टोपी पहनाओ निकालो घर मार्केट से बाहर, जुनैद को लूटो। क्या चला देते कल आप, ये मार्केट में क्या चल रहा था आपने मुझे कहानी सुनाई, सुनिएगा व्यूअर्स, 200 एक जगह 200 की सब्जी बिक रही है और जुनैद साहब वही सब्जी 150 की बेच रहे, होटल वाले 200 की बेच रहे, वो जो सप्लाई करने वाले आते हैं उनकी क्वालिटी हमसे वो होती है। मैं तो बोलती हूँ वो देख रहा है खाली जो ऊपर बैठा हुआ, लाइट जा चुकी है, 10 बज चुके हैं, टाइम के पाबंद लोग। अब जब तक मैं चमचा चलाऊंगी आप मेरी वीडियो बनाते रहेंगे? नहीं, मैं अपने दूसरे काम करता हूँ। हाँ, तो आप अपने दूसरे काम निपटा का। बता देती हूँ, ये जब भून जाएगा ना थोड़ा व्यूअर्स अच्छे तरीके से, तो अभी भुना नहीं है, जब प्रॉपरली भून जाएगा ना, तो ये जो भिंडी मसाले वाली थी ना, स्पाइस लगाए थे, मैं ये इसमें ऐड करूँगी अच्छे तरीके से, इसको भी भूनूंगी और उसमें नमक ऐड करूँगी आखिर में, नमक अभी नहीं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, अभी इसमें टाइम लगेगा। तो व्यूअर्स हम लोग अपने दूसरे काम में निपटाते हैं और मैं बाहर से हो गया तो बैठे रहेंगे मोबाइल लेके, जुनैद का बस चले ना, आज उनको बोल दिया है ना सुबह सुबह की बीवी की मुंडी कट जाती है वीडियो बनाते हुए, तो जुनैद आज वीडियो बनाते रहेंगे मेरी। सही है, चलें व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलते हैं। भिंडी तैयार, कबाब माशाल्लाह से, एक बच्चे दो ये चल रहे हैं, सात चल रही हैं, थोड़े फैल रहे हैं ना, मजा मूड होता है कबाबों का। यहाँ हो रही है रायते की तैयारी, धनिया थोड़ा सा लूंगा, सलाद पत्ता है ना, ये सारी वेजी, ये टमाटर, सलाद पत्ता, और ये है जुनैद, यहाँ खड़े होने की वजह यही है। आप खाओगी? नहीं, आंधी की वजह से मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है, तो इसलिए आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा स्टैंड बनाया है दीवार पर। क्या हो गया, कितनी कितने प्यारे कलर लग रहे हैं ना, अगर इस कलर के कपड़े बने तो कैसे लगेंगे, वो लगेगी दिलवाले दुल्हनिया की जो बिस्किट पहना होता है ना, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने कब बिस्किट पहना था? वेस्टकोट पहना था। अच्छा, वेस्टकोट, मैं समझी स्कर्ट। चलें स्कर्ट उसमें उसमें रहता था,
हो गया ना हिंदुस्तानी वाले चने नाश्ता नाइटी वाले इधर भाई जल्दी करें ना नाश्ता रेडी है। और ये मैं आपको सलाद की तस्वीर भी बताती हूँ, हाथ तो हटा लीजिए, चलें जल्दी से। हमारा नाश्ता पराठा, ये थोड़ी सी मिर्ची मैं खाऊंगी, चाय, कबाब, ये जुनैद, जुनैद को खाऊंगी नहीं, दिमाग खाऊंगी नहीं के साथ। ठीक है 12 बज गए, जुनैद ने देखा टाइम बता दिया है। नाश्ता नुकसान कर रही है जाने से पहले, बैग तैयार रखा है जुनैद, पूरे तैयार हैं, लेकिन ये देखें हवाओं ने क्या किया है, हवाओं ने ये किया, करा नहीं किया क्योंकि हमारा पानी वगैरह रखा होता है ना इस्तेमाल का अक्सर बेशतर, वो मट्टी मट्टी हो जाएगा। और मट्टी देखिए अब यहाँ पे, अभी सुबह सफाई हुई है, कौन कहेगा आलू खाना भी छोड़ दीजिए, ऐसे ही है खीरा 120। और आने वाले वक्तों में व्यूअर्स बकरीद के नजदीक आते ही ये चीजें और महंगी हो जाएंगी बेशक।